आईपीएल 2022 के एडिशन के बाद अब सभी टीमों ने आईपीएल 2023 के एडिशन के आईपीएल 2023 के ऑक्शन की तैयारियां शुरू कर दी। सभी टीमों ने अब प्लानिंग शुरू कर दी कि कौन से प्लेयर्स को टीमें यहां पर परचेस करेगी, कौन से प्लेयर्स को अपनी टीमों में रिटेन रखेगी। सभी टीमों ने अपने बल्लेबाजी लाइनअप को लेकर यहाँ पर कन्फर्म कर दिया है या फिर किस तरीके से अगले आईपीएल एडिशन में सभी टीमों की बल्लेबाजी लाइनअप रहेगी। मैं इस वीडियो में आपको आईपीएल 2023 के एडिशन के लिए सभी टीमों के बल्लेबाजों के नाम बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सभी टीमों की बल्लेबाजी लाइनअप रहेगी, कौन सी टीम में आखिर कौन सा बल्लेबाज अगला आईपीएल एडिशन में हमें खेलता हुआ दिखेगा। आपको इस वीडियो में सभी इंफॉर्मेशन मिलेगी, काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात कर लेते हैं आईपीएल 2023 के एडिशन के लिए सभी टीमों के बल्लेबाजों की, सभी टीमों की बल्लेबाजी लाइनअप की। सबसे पहले हम बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की, तो सीएसके की टीम की जो बल्लेबाजी लाइनअप रहेगी इनमें नाम आता है कप्तान एमएस धोनी का, नाम आता है मोइन अली का, नाम आता है गायकवाड़ अंबाती रायडू, नाम आता है ड्वेन कोनवे का, नाम आता है शिवम दुबे का, नाम आता है सैम करन का, नाम आता है क्रिस गेल का। जहां पर धोनी, मोइन अली, गायकवाड़, रायडू, इसके साथ ही कोनवे, दुबे तो यहां पर रिटर्न होंगे, इसके साथ ही सैम करन को, क्रिस गेल को ये टीम अपनी बल्लेबाजी लाइनअप में ऐड करेगी। यहां पर सैम करन को कन्फर्म रूप से ये टीम परचेस करके अपनी बल्लेबाजी लाइनअप में ऐड करेगी। इसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की, तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए नाम आता है ऋषभ पंत का, पृथ्वी शो का, नाम आता है डेविड वॉर्नर का, नाम आता है मिच मार्श का, नाम आता है सरफराज खान का, नाम आता है सुरेश रैना, शकीब अल हसन का। तो पंत, पृथ्वी शो, वॉर्नर, मिच मार्श, सरफराज को ये टीम रिटेन कर रही है। रैना और शकीब अल हसन को ऑप्शन में से ये टीम पिक करेगी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन दो बल्लेबाजों को, या फिर एक तरीके से इन दो ऑलराउंडर्स को ये टीम परचेस करेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गुजरात टाइटंस की, तो गुजरात टाइटंस के लिए नाम आता है हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, अभिनव का, नाम आता है राहुल तेवटिया का, नाम आता है डेविड मिलर का, नाम आता है ग्लेन फिलिप्स का, नाम आता है कायरन पोलार्ड का। तो हार्दिक, गिल, अभिनव, इसके साथ ही तेवटिया, मिलर यहाँ पर इस टीम में रिटेन होंगे। इसके साथ ही ग्लेन फिलिप्स को और पोलार्ड को ये टीम टारगेट करेगी। मुंबई की टीम पोलार्ड को यहाँ पर रिलीज करने की प्लानिंग कर रही है, तो पोलार्ड को ये टीम टारगेट करेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो कोलकाता के लिए नाम आता है कप्तान सुरेश अय्यर का, नाम आता है आंद्रसल, नीतीश राणा, रिंकू सिंह का, नाम आता है सैम बिलिंग्स, नाम आता है ओयन मॉर्गन का, नाम आता है रविंद्र जाडेजा का। तो जाडेजा को भी चेन्नई की टीम यहाँ पर रिलीज कर रही है, तो जाडेजा को और मॉर्गन को ये टीम परचेस कर रही है। इसके अलावा ये टीम अय्यर को, रसल को, इसके साथ ही नीतीश राणा को, रिंकू सिंह को और सैम बिलिंग्स को ये टीम रिटेन कर रही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लखनऊ सुपर जाइंट्स की, तो लखनऊ के लिए नाम आता है केएल राहुल, मार्कस टोइनिस, क्विंटन डिकॉक, दीपक हुड्डा, इवन लुइस का और नाम आता है जेसन होल्डर का। इसके साथ ही नाम आता है स्टीवन स्मिथ का और शाहरुख खान का। तो राहुल को, स्टोइनिस को, डिकॉक को, इसके साथ ही हुड्डा को, इसके साथ ही इवन लुइस और होल्डर को तो ये टीम रिटेन करी। इसके अलावा स्टीवन स्मिथ और शाहरुख खान को ये टीम ऑप्शन में से परचेस करेगी। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई के लिए नाम आता है कप्तान रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन का, नाम आता है ब्रेविस का, नाम आता है टीम डेविड, वेंकटेश अय्यर का, नाम आता है बेन स्टोक्स का। तो रोहित, सूर्य, ईशान, इसके साथ ही ब्रेविस, टीम डेविड को तो ये टीम रिटेन कर रही है। इसके साथ ही वेंकटेश अय्यर और बेन स्टोक्स को ये टीम कन्फर्म रूप से ऑप्शन में से परचेस कर रही है। बेन स्टोक्स के लिए तो ये टीम 10 से 12 करोड़ रुपए सेव करके रख रही है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से मुंबई के बल्लेबाज रहेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पंजाब किंग्स की, तो पंजाब की टीम यहाँ पर मयंक अग्रवाल को, शिखर धवन को, जॉनी बेस्टो, जितेश शर्मा, इसके साथ ही लिविंगस्टन को, इसके साथ ही जो रूट को, इसके साथ ही यहाँ पर केस भरत को अपनी टीम में रख रही है। हालांकि हो सकता है कि एक आधे और विदेशी बल्लेबाज को ये टीम परचेस कर ले, लेकिन इस तरीके से पंजाब की बल्लेबाजी अगले आईपीएल एडिशन में हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की, तो इनके लिए नाम आता है संजू सैमसन, जोस बटलर, जेसवाल का, नाम आता है शिमरन हेडमायर, पाडिकल का, नाम आता है रियान पराग का, नाम आता है मोइजेस हेनरिकेस का, नाम आता है बेन कटिंग का। तो कुल मिलाकर ये टीम यहाँ पर सैमसन को, बटलर को, जेसवाल को, हेडमायर को, पाडिकल को, पराग को रिटेन कर रही है। हेनरिकेस को ये टीम कन्फर्म रूप से परचेस करेगी। बेन कटिंग को भी ये टीम परचेस करके अपनी बल्लेबाजी लाइनअप में ऐड करेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आरसीबी की, तो आरसीबी की टीम यहाँ पर विराट कोहली को, मैक्सवेल को, इसके साथ ही फेफ डुप्लेसी, दिनेश कार्तिक और पाड़ीदार को तो यहाँ पर अपनी टीम में रिटेन कर रही है। इसके साथ ही ये टीम यहाँ पर बेन मैकडरमट को, जेसन रॉय, डेविड वीजे को परचेस करके अपनी टीम में शामिल करेगी। कुल मिलाकर इन तीन यहाँ पर क्वालिटी और यहाँ पर इन तीन में से दो क्वालिटी ऑलराउंडर और एक यहाँ पर बल्लेबाज को ये टीम यहाँ पर अपनी टीम में शामिल कर रही है। तो आरसीबी की तरफ से ये बल्लेबाजी अगले आईपीएल एडिशन में हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एट द एंड हैदराबाद की, तो हैदराबाद के लिए नाम आता है केन विलियमसन, निकोलस पूरन, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, नाम आता है प्रियम गर्ग का, इसके साथ ही नाम आता है यहाँ पर एड
एडन मार्करम नाम आता है, क्रिसलिन का नाम आता है यहाँ पर, अजिंक्य रहाणे का और नाम आता है यहाँ पर रॉबिन उथप्पा का। तो कुल मिलाकर ये टीम विलियमसन, निकोलस पुरन, सुंदर, इसके साथ ही प्रियाम गर्ग को, इसके साथ एडम मार्करम को रिटेन कर रही है। इसके अलावा ये टीम यहाँ पर क्रिसलिन को, अजिंक्य रहाणे को और उथप्पा को परचेस कर रही है। इसके साथ ही अभिषेक शर्मा को भी ये टीम रिटेन कर रही है। अभिषेक शर्मा भी इस टीम की रिटेन लिस्ट में रखे गए। तो कुल मिलाकर इस तरीके से यहाँ पर सभी 10 टीमों की अगले आईपीएल एडिशन में हमें बल्लेबाजी लाइनअप देखने को मिलेगी। आप कमेंट करके बताइए आपको सभी 10 टीमों में से कौन सी टीम की बल्लेबाजी लाइनअप सबसे मजबूत और कौन सी टीम की आखिर बल्लेबाजी लाइनअप सबसे कमजोर लगी। आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।